मेरा नाम मोहम्मद फारूक है, एदी फाउंडेशन से मेरा ताल्लुक है, बहसियत मददगार अरसा 25 साल से मैं इदारे से वाबस्ता हूँ। और जब ये एबटाबाद जलजिले की जो इतला आई थी, हमें तो बाद में पता चला था, हमारे कंट्रोल में इतला आई थी और एमरजेंसी नाफिज कर दी थी, तो यहाँ से पूरे एक काफ़िले की शक्ल में यहाँ से रवाना हुए थे। और ईदी साहब मरहूम रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह पाक उनकी कब्रों को मुनव्वर फरमाए, वो यहाँ से एक टीम की शक्ल में यहाँ से रवाना हुए थे। तो जब आप यहाँ से गए तो क्या आपको अंदाजा था कि इतना खतरनाक जलजला है, और जब वहाँ पर पहुँचे तो क्या देखा? देखिए, यहाँ पे तो किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि क्या हुआ। ख़ासकर मैं अपने तौर पे कह सकता हूँ कि मेरी तो फर्स्ट वो एमरजेंसी थी एक, तो मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि इतने बड़े पैमाने पर भी एक एमरजेंसी में काम करने का मौका मिलेगा या इतनी बड़ी भी एमरजेंसी होती है। हाँ, ईदी साहब हो गए और फैसल ईदी साहब, ये सारे बड़े हमारे जो हैं, इनको सारे चीज़ का अंदाज़ा था क्योंकि ये कोऑर्डिनेट में थे इस्लामाबाद से, और एबटाबाद जो हमारे वहाँ पर अपना एक सेंटर था, उनके कुछ लोग जो थे वो इनसे रابطे में थे। तो फिर जब आप वहाँ पर पहुँचे क्या देखा? देखिए, जब हम वहाँ पहुँचे दूसरे दिन, वहाँ पर जब हम पहुँचे तो सब तरफ सिर्फ तबाही थी और कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही थी, यानी कोई भी इमारत वहाँ पर हमें सही सलामत खड़ी हुई नज़र नहीं आ रही थी, हर चीज़ गिरी हुई थी। लोग फंसे हुए थे, कितने लोगों को आप रेस्क्यू किया, लोगों की हालत क्या थी वहाँ पर? देखिए, रेस्क्यू का आप कहेंगे कि कितने लोगों को, वो लातादाद थी और जिनको हमने रेस्क्यू किया ईदी फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से, क्योंकि वहाँ सिर्फ ईदी नहीं थी, वहाँ पे कई इदारे पहुँचे थे और उसमें मिलिट्री भी शामिल थी और काफ़ी वेलफेयर इदारे भी थे। हाँ, ज़्यादा एम्बुलेंसेस होने की वजह से ईदी जो थी वो ज़्यादा हाईलाइट थी, क्योंकि ईदी की वहाँ पर उस वक्त जब ये जलजला आया था तो 200 एम्बुलेंसें वहाँ पर मौजूद थी। कितने लोग जो है आप कैसे बता सकते हैं कि आपने निकाले? देखिए, हम जो पर डे वहाँ पर जो काम हमने जिस दिन शुरू किया था, उस दिन हमने पहले दिन जो है 48 डेथ बॉडीज़ निकाली थी दबी हुई, और ज़ख्मियों की तादाद तकरीबन 250 से 300 थी, जो हमने रेस्क्यू करके एम्बुलेंसों के ज़रिए कैंप में रवाना किए थे, जो आर्मी ने कैंप लगाया था। लोग का मलबे तले दबे हुए थे? जी जी बिल्कुल, जो जैसे घर गिरे, क्योंकि किसी को पता नहीं था, अचानक एक चीज़ हुई तो लोग मलबे तले दबे हुए थे, और जाते ही वहाँ पर कोई रेस्ट नहीं कह के रेस्ट करना है, थके हुए हैं नहीं, वहाँ पहुँचते ही ईदी साहब ने कहा कि काम पे लग जाओ और इसको फिल फोर जितनी जल्दी हो सकता है हमने समेटना है। कितने दिन आपने वहाँ पर गुजारे? और कितने दिन नहीं, ये तकरीबन इस प्रोसेस को क्लोज़ करने में 5 साल लगे। और वापसी वहाँ भी कब हुई? देखिए, आखिरी टीम जब वहाँ से जलजले की वहाँ से वापस आई है, वो 5 साल 3 महीने के बाद आई है, और बीच में टीमें बदली होती रही हैं, लेकिन टोटल पीरियड जो है वो इसको 5.5 साल लगे वहाँ पे काम को। और आपने कितना अर्सा काम किया वहाँ पर? वहाँ पर हमने 3 साल। आपने 3 साल वहाँ पर रह के काम किया? जी। और इस दौरान कोई ऐसा वाक्य जो आपको दिल हिला देने वाला हो, या कोई ऐसा आपने वाक्य हो कि आप जिंदगी में भूल ये वाक्य नहीं होता? मैं देखें, ऐसे तो लातादाद वाक़ात हैं वहाँ के, और जो है जो ना तवक्कल भी है कि अल्लाह पाक जो है ना चाहे तो उसके हाथ में है सब कुछ, मौत और इल्लत। मसला यह है कि जब हम एक गांव में पहुँचे, वहाँ पे हमने एक बंदे को रेस्क्यू किया, वो अपने मलबे तले दबा हुआ था, तो उसे 28 दिन हो गए थे दबे हुए। 28 दिन मायने रखता है, और वो किस तरह वहाँ पर रहा, क्योंकि हमें भी अंदाज़ा नहीं था कि इतने लंबे एरिया में जो है ना तबाही फैली होगी। तो कुछ वहाँ से फासले पे था, 15 से 20 किलोमीटर के फासले पे एक गांव था, तो लोग आए ईदी साहब के पास कि हमारे पास भी टीम रवाना करें, कुछ लोग हमारे भी बहुत से दबे हुए हैं वहाँ पे। जब वहाँ पहुँचे तो जिसको हमने दोपहर के टाइम रेस्क्यू किया, वो शख्स का बयान है कि मेरे को 28 दिन हो गए दबे हुए, क्योंकि उसकी दोनों पाँव दबे हुए थे और बाकी दर्द जो था वो बाहर था, यानी था मलबे के नीचे ही, क्योंकि पिलर के नीचे उसके पाँव थे और बाकी छत के नीचे उसको गेप था, और वह सांस ले सकता था कि एयर हवा उसको मिल रही थी। यानी कि वो 28 दिन तक वो जिंदा रहा? 28 दिन तक दबा रहा, उसके पाँव की वजह से वो पाँव फंसे हुए थे, वो 28 दिन तक उसके नीचे पड़ा रहा। कैसे पता चला उसका? उसने खुद बयान दिया। और जब हम वहाँ जाहिर है जिस इलाके में जाते थे तो सारे लड़के फैल जाते थे कि भाई दो इस तरफ चले जाओ, दो इस तरफ चले जाओ, इस तरह पूरे इलाके को वो करते थे कि कहीं पर कोई ऐसा बंदा ना हो तो जो फंसा हुआ हो जिंदा हो, और उसको पहले हमने रेस्क्यू करना है। इस हिसाब से सारी टीम जो है वो इस इलाके में फैल जाती थी। आवाज़ आ गई, तो जाहिर है आवाज़ दे रहे हैं, हम एक जगह से गुजर रहे हैं और हम कह रहे हैं कुछ सुन रहा है मुझे, हाँ कोई है अंदर, तो वो इस तरह हमारी आवाज़ सुन के, ठीक है वो बोल नहीं सका, जाहिर है एक लंबा पीरियड हो गया था, तो उसने वो पत्थर जो है ना पत्थर उठा उठा के फेंके, तो वो पत्थर हमारे एक मददगार को नज़र आया कि वहाँ से कुछ चीज़ बार बार गिर रही है, तो हम उस तरफ गए तो ये फंसा हुआ था। आप समझे कि भयानक तबाही थी पाकिस्तान की तरफ? मेरी लाइफ क्या पूरे पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा जो ये सानिया था।